नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे जो मयंक अग्रवाल हैं वो दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनका भी मानना है कि वो भी अगले साल से लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से ही खेलेंगे, क्योंकि केएल राहुल के ऊपर जिस तरह से प्रीति जिंटा और इनकी टीम दबाव बनाया करती थी और जिस तरह से केएल राहुल को आज़ादी नहीं मिलती थी कप्तानी करने में, वो साफ झलक रहा है। क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से केएल राहुल कप्तानी करते हुए ना सिर्फ बेहद ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि इनकी कप्तानी की भी तारीफ करनी होगी। बेहद ही शानदार तरीके से गेंदबाजों का उपयोग कर रहे हैं केएल राहुल। ये सब कुछ तब हो पा रहा है जब केएल राहुल अपने अनुभव का उपयोग कर रहे हैं, केएल राहुल खुद कप्तानी कर रहे हैं और उनके ऊपर किसी भी तरह से टीम मैनेजमेंट का या फिर बाहर के किसी का भी दबाव नहीं है, जैसे कि पंजाब की तरफ से खेलते हुए केएल राहुल के ऊपर प्रीति जिंटा का दबाव होता था। अब ऐसे में मयंक अग्रवाल के ऊपर भी यही दबाव है और मयंक अग्रवाल दोस्तों साफ कह रहे हैं कि वो भी अगले साल तक पंजाब किंग्स को छोड़ सकते हैं और वो लखनऊ सुपर जायंट्स में आ सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, लखनऊ सुपर जायंट्स की जो टीम है वो इस साल सबसे शानदार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन पंजाब की टीम जो है दोस्तों वो लगभग कई मुकाबले हार चुकी है और लगभग प्लेऑफ से बाहर भी हो चुकी है। ऐसे में मयंक अग्रवाल के ऊपर ना सिर्फ दबाव बनाया जा रहा है बल्कि मयंक अग्रवाल को काफ़ी कुछ सुनना भी पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि मयंक अग्रवाल की कप्तानी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि केएल राहुल के साथ भी कुछ ऐसा ही होता था, जब केएल राहुल अपने दम पर अच्छी परफॉर्मेंस करते थे लेकिन बावजूद इसके उनको काफ़ी कुछ सहना पड़ता था और काफ़ी कुछ उनको सुनना पड़ता था। और इसके अलावा केएल राहुल अपने दम पर टीम को जिताने की कोशिश करते थे, अकेले रन मारते थे और ऑरेंज कैप की रेस में आगे रहते थे, लेकिन फिर भी उनकी टीम हमेशा मुकाबले हारती थी क्योंकि उनकी टीम का कोई बल्लेबाज या फिर कोई भी खिलाड़ी साथ नहीं देता था। लेकिन केएल राहुल ने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में आ करके और ये साबित कर दिया है कि वो अपनी कप्तानी के दम पर टीम को मुकाबले जिता सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक टाइम पर जब कोलकाता नाइट राइडर्स से पिछला मुकाबला खेला गया तो लग रहा था कि कोलकाता की टीम जीत जाएगी और शायद लखनऊ सुपर जायंट्स ने बड़ा टारगेट नहीं सेट किया है, लेकिन केएल राहुल ने जिस तरह से गेंदबाजों का उपयोग किया वो रियल में ही बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देने वाला था। और केएल राहुल ने गेंदबाजों का इतने शानदार तरीके से उपयोग किया कि देखते ही देखते पूरा मैच पलट गया और इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की जो टीम है वो बहुत ही आसानी से पूरे 75 रनों से इस मुकाबले को जीत गई। लेकिन वहीं जो पिछला मुकाबला पंजाब किंग्स का हुआ उसमें देखने को मिला कि पंजाब किंग्स की टीम बहुत बुरी तरह से अपने मुकाबले को हार गई राजस्थान के हाथों और इसके बाद मयंक अग्रवाल को एक बार फिर से काफ़ी कुछ सुनना पड़ा है और इसी वजह से मयंक अग्रवाल दोस्तों ये डिसीजन ले सकते हैं कि वो जल्द ही पंजाब किंग्स की टीम को छोड़कर और लखनऊ सुपर जायंट्स में अगले साल आ सकते हैं। जिस तरह से केएल राहुल की परफॉर्मेंस है और जिस तरह से पंजाब की टीम की परफॉर्मेंस है, दोनों में जमीन आसमान का साफ फर्क देखने को मिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं प्रीति जिंटा को एक सबक मिला होगा कि केएल राहुल जैसे खिलाड़ी को छोड़कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, ये गलती उनकी टीम पर हमेशा के लिए अब भारी पड़ने वाली है। तो यही था वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।